हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज क्लास में हम बात करेंगे रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग के बारे में। नदी नियंत्रण की जो विधियां हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वहां से हमें कंपटीशन में काफी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अट्रैक्टिंग ग्रोइन, जिसे हिंदी में हम आकर्षी ग्रोइन के नाम से जानते हैं, और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे हमारा रिपलिंग ग्रोइन, जिसे हम हिंदी में प्रतिकारी ग्रोइन के नाम से जानते हैं। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे रिवर ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें रिवर ट्रेनिंग की, तो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब नदियां हमारी पहाड़ों से निकलकर हमारी जलोढ़ मैदानों में आती हैं तो अपने अलाइनमेंट से भटक सकती हैं या भटक जाती हैं। तो उनके अपने अलाइनमेंट पर रखने के लिए जो हम नदी नियंत्रण के कार्य करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जो हम उपाय करते हैं उन्हीं उपायों को हम क्या कहते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क के नाम से जानते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि किसी भी नदी को उसके अलाइनमेंट पर रखना और उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके क्रॉस सेक्शन और अलाइनमेंट को स्थिर रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, उन्हें हम रिवर ट्रेनिंग वर्क के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था रिवर ट्रेनिंग जो हम वर्क करते हैं तो उसके हमारी बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें हमने एक पढ़ा था ग्रोइन के बारे में। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ग्रोइन हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रोइन में अगर हम बात करें, ग्रोइन का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो ग्रोइन भी हमारे कई अलग अलग प्रकार के थे, जिसमें हमने बताया था जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है, यानी कार्य के आधार पर जो हमारे ग्रोइन होते हैं वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट, हमारे कंपटीशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आप देखें कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के आधार पर अगर हम ग्रोइन की बात करें, तो अब उसमें हमें तीन क्लासिफिकेशन देखने को मिले थे। पहला हमारा था अट्रैक्टिंग ग्रोइन, दूसरा हमारा था डिफ्लेक्टिंग, और तीसरा हमारा था रिपलिंग ग्रोइन। तो आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अट्रैक्टिंग और रिपलिंग ग्रोइन के बारे में। तो अब आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आ रही होगी कि आखिर ग्रोइन क्या है, जिसे हिंदी में हम भुजारोध के नाम से जानते हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिस्कस कर लें अट्रैक्टिंग ग्रोइन के बारे में और रिपलिंग ग्रोइन के बारे में, तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारे ग्रोइन आखिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अट्रैक्टिंग ग्रोइन से। तो देखें जरा, जैसा कि आप डायग्राम को आप एक बार सही से आपको देखना है कि इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि इस डायग्राम से जितनी भी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूँ वो इस डायग्राम से हमारे यहाँ पर निकलेंगे। तो देखें, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहां पर ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, हमारा क्या है, एक रिवर बैंक है, यानी हमारा क्या है, तटबंध है यहां पर। तो जो रिवर बैंक है, इस रिवर बैंक से हमारी नदी की अपस्ट्रीम, यानी इधर हमारा फ्लो की जो डायरेक्शन है वो हमारी कैसी है, फ्लो की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से हमारा फ्लो हमारा हो रहा है रिवर का। तो जो फ्लो की डायरेक्शन हमारी इस राइट साइड में है, तो उसमें ये हमारा पोर्शन जो है वो अपस्ट्रीम है और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, डाउनस्ट्रीम है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, एक हमने ग्रोइन का निर्माण किया और वो ग्रोइन हमारा इस शेप में है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो अब जो रेड कलर का आपको यहाँ पर पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, अट्रैक्टिंग ग्रोइन है। तो अब होगा क्या इसमें कि जब इस ग्रोइन में जब रिवर का फ्लो होगा तो अपस्ट्रीम से जैसे ही फ्लो होता हुआ आ रहा होगा तो इस ग्रोइन से होते हुए फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके जुड़े हुए सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें कि अट्रैक्टिंग ग्रोइन हमारा, इसको आखिर अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्यों कहते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ बातें यहां पर देखेंगे। तो ग्रोइन का जो झुकाव है वो हमारा किधर होता है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही हो गया कि जो अट्रैक्टिंग ग्रोइन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो किस दिशा में होता है, यानी किस तरफ होता है, अपस्ट्रीम की ओर या डाउनस्ट्रीम की ओर। तो जैसा कि आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि अट्रैक्टिंग ग्रोइन एक ऐसा ग्रोइन है जो डाउनस्ट्रीम की तरफ कैसा है, हमारा टिल्ट है, तो इसका झुकाव कहां है, हमारा डाउनस्ट्रीम की तरफ होता है। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर ये लिखूंगा कि ग्रोइन का झुकाव, यानी अट्रैक्टिंग ग्रोइन का झुकाव हमारा किस तरफ होता है, डाउनस्ट्रीम की ओर हमारा इसका झुकाव हमें देखने को मिलता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम से ही कि हमें किस ओर इसका हमें इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो जो हमारा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द बैंक, यहाँ आपसे ये पूछ सकता है पेपर में कि जो हमारा अट्रैक्टिंग ग्रोइन है उसका बैंक से, जो हमारी बैंक है यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है, ये हमारा क्या है, रिवर हमारा बैंक शो कर रहा है, तो इस बैंक से कितने एंगल पर हमारी ये इसका इंक्लिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो जनरली अगर हम बात करें इस इंक्लिनेशन की, तो ये जो आपको एंगल देखने को मिल रहा है वो हमारा 32
60 डिग्री तक आपको इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहां पर लिखा 32-60 डिग्री, लेकिन पेपर में आपको कभी 45-60 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो हमारी कितनी है, 30-60 यानी 30-60 डिग्री तक हमारा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। कहां से? रिवर बैंक से। तो दूसरा हमारा पॉइंट था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द बैंक, यानी जो अट्रैक्टिंग ग्रोइन है उसका हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, 30-60 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग ग्रोइन, यानी कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है। और देखें इसी पॉइंट से हमें यह भी समझ में आएगा कि इस अट्रैक्टिंग ग्रोइन का नाम अट्रैक्टिंग आखिर क्यों है, तो इसकी टेंडेंसी कैसी है। तो देखें जरा यहां से, अगर आप इस डायग्राम को फिर एक बार से देखिए कि जो हमारी रिवर फ्लो जो हो रहा है यहां पर, तो रिवर फ्लो होते हुए हमारा इस तरीके से आता है। तो यहां पर हमारा एक अवरोध, यानी कि यहां पर हमारा क्या है, एक भुजारोध है। तो यहां पर हमारा एक अवरोध टाइप का हम यहां पर क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, और यहां से रिवर का जो वाटर है, जो फ्लो की डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। तो यहां से आप पार्टिकल देख रहे हैं कि जो पार्टिकल हमारा रिवर का सीधे, जो हमारा रिवर का फ्लो है सीधे होते हुए आ रहा है, यहां पर हमारा टकरा के रुक जाएगा। लेकिन कुछ हमारे जो हमारा फ्लो डायरेक्शन यहां से टिल्ट होना स्टार्ट होगी, पर यहां से मुड़ते हुए हमारा फ्लो इधर आने की और कोशिश करेगा। तो ये एक ऐसा हमारा ग्रोइन है जो क्या करता है, रिवर फ्लो को आप यहां से देख रहे हैं बैंक की ओर, ये हमारा क्या है, बैंक की ओर लाने की टेंडेंसी रखता है। यानी इसका जो हमारा रिवर फ्लो की जो हमारी टेंडेंसी होगी वो कैसी होगी, हमारी रिवर फ्लो की जो हमारी टेंडेंसी है वो बैंक की ओर हमारा क्या आने की चेष्टा करता है। यानी कि ये ऐसा ग्रोइन है जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन को बैंक की तरफ, यानी इस बैंक की ओर लाने की प्रवृत्ति रखता है। तो हम ये कहेंगे कि बैंक की ओर क्या कर रहा है, रिवर फ्लो को, जो यहां से हमारा रिवर फ्लो हो रहा है, तो रिवर फ्लो को बैंक की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो इस बैंक की ओर आकर्षित करने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, अट्रैक्टिंग ग्रोइन रखा गया है। तो यहां से पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम हमने अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्यों रखा, यानी आकर्षित ग्रोइन क्यों रखा है, क्योंकि रिवर फ्लो को ये बैंक की तरफ आकर्षित करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग ग्रोइन, यानी इसकी ग्रोइन हमारी जो इसकी टेंडेंसी है, इसकी जो हमारे आकर्षित ग्रोइन की प्रवृत्ति कैसी है। तो यहां पर हम लिखेंगे यह ग्रोइन, ध्यान से देखेंगे जरा, यह ग्रोइन, यह ग्रोइन रिवर फ्लो को बैंक की ओर यानी बैंक की ओर आकर्षित करता है, बैंक की ओर आकर्षित करता है। यानी हम ये कहेंगे बैंक की ओर कैसा करता है, आकर्षित का मतलब है अट्रैक्ट करता है, बैंक की ओर कैसा कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए बैंक की ओर अट्रैक्ट करता है, बैंक की ओर अट्रैक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर फ्लो हमारे बैंक की ओर अट्रैक्ट करता है, इसी कारण इसे अट्रैक्टिंग ग्रोइन इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रोइन कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इसको हम अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिवर फ्लो को बैंक की ओर आकर्षित करता है। तो ये हमारा दूसरा, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब आगे बात करते हैं कि जो अटैक ऑफ स्ट्रीम ऑन ग्रोइन, यानी कि जो हमारा रिवर स्ट्रीम जो चल रही है उसमें जो ग्रोइन पर अटैक करती है रिवर स्ट्रीम, वो कहां पर करती है। तो जाहिर सी बात है आप इस डायग्राम को एक बार सही से देखें कि जो हमारी अपस्ट्रीम की तरफ जो हमारा रिवर फ्लो आ रहा है तो वो कहां अटैक करेगी, हमारी इस सरफेस पर अटैक करेगी, क्लियर। यानी हमारी कहां अटैक करेगी, इस सरफेस पर ही हमारी क्या करती है, अटैक करती है। तो हमें जरूरत है कि इसकी अपस्ट्रीम, यानी कि जो हमारी ग्रोइन की अपस्ट्रीम पर जो साइड आ रही है, रिवर की अपस्ट्रीम की तरफ जो हमारी ग्रोइन की साइड आ रही है, उसे हमें मजबूत बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि रिवर स्ट्रीम का अटैक कहां पर होता है, अपस्ट्रीम साइड में होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस ग्रोइन में, यहां पर हमें क्या लिखना है, इस ग्रोइन में रिवर स्ट्रीम यानी नदी की जो धारा है, रिवर स्ट्रीम का अटैक यानी आक्रमण कहां हो रहा है रिवर स्ट्रीम का, ग्रोइन के अपस्ट्रीम की ओर होता है। इसलिए अपस्ट्रीम को
इसलिए क्या करना चाहिए हमें, इसलिए अप स्ट्रीम को हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए, इसलिए अप स्ट्रीम साइड को यानी ग्रोइन की जो हमारी अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपस्ट्रीम साइड को स्ट्रांग बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो हमें क्या करना है, रिवर की जो अपस्ट्रीम साइड है उसे हमें, हमें जो ग्रोइन की हमारी अपस्ट्रीम साइड की ओर जो हमारी साइड आ रही है उसे हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इसके नोट की, तो आपको नोट ये करना है, तो आप देखें जरा ध्यान से कि अगर ये जो ग्रोइन है वो अगर बैंक की ओर रिवर फ्लो को आकर्षित करेगा तो हो सकता है कि बैंक प्रोटेक्शन के लिए ये अच्छा साबित ना हो, क्योंकि अगर रिवर का फ्लो हमारा बैंक की ओर आगे, अगर बैंक की ओर हमारी रिवर फ्लो इस तरीके से होके आ रही है तो हो सकता है जो बैंक है उसमें इरोजन होने लग जाए और बैंक हमारा कटने लग जाए। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो ग्रोइन ये वाला है उसकी जो टेंडेंसी है कि रिवर फ्लो को बैंक की ओर आकर्षित करता है, तो बैंक की ओर आकर्षित अगर करेगा तो ये कहेंगे हम कि बैंक प्रोटेक्शन के लिए ये ग्रोइन हमारा अच्छा नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये ग्रोइन हमारा अच्छा क्यों नहीं माना जाता, तो यहां पर हम लिखेंगे कि बैंक प्रोटेक्शन के लिए, यहां पर हमें क्या लिखना है कि बैंक प्रोटेक्शन के लिए, ध्यान से देखेंगे इसको, बैंक प्रोटेक्शन यानी कि हमारा जो बैंक है उसकी सुरक्षा के लिए, बैंक प्रोटेक्शन के लिए, बैंक प्रोटेक्शन के लिए यह उपयुक्त नहीं है, यानी यह यूजफुल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस ग्रोइन को अच्छा नहीं माना जाता। ये सारे कारण हमने देखे यहां पर, इस ग्रोइन को दूसरा नोट हम क्या लिखेंगे, इस ग्रोइन का जनरली यानी सामान्यतः यूज हम नहीं करते हैं, जनरली यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो इस ग्रोइन का हम क्या करेंगे, ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं। तो देखें ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रिवर फ्लो हमारी बैंक की तरफ आकर्षित होगी तो बैंक प्रोटेक्शन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और इसीलिए अगर बैंक प्रोटेक्शन ही हमारा ठीक नहीं है इस ग्रोइन की वजह से, बैंक का प्रोटेक्शन अगर एक खतरे में है तो उस केस में हम ये कहेंगे इस ग्रोइन का यूज हम नहीं करते हैं। अगर बात करें कि स्टिल वाटर पॉकेट, तो यहां पर देखें जरा, अब यहां से वाटर लगातार फ्लो होते हुए यहां इस तरीके से होते हुए चला जाएगा, तो अगर आप देखें यहां पर मैंने ब्लैक डॉट बना रखे हैं, तो जो ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट क्या है हमारे, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टिल वाटर पॉकेट, यहां क्या देखने को मिलेगा हमें, यानी कि स्टिल वाटर पॉकेट, स्टिल वाटर पॉकेट का मतलब होता है कि शांत जल कुंड हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या है, स्टिल वाटर पॉकेट यहां पर हमें देखने को मिला। तो जो शांत जल कुंड है यानी कि पानी की जो वेलोसिटी यहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यहां पर सिल्टिंग हमें देखने को मिलेगी इस जोन में, कहां पर, स्टिल वाटर पॉकेट में। तो आप देखिए, आपसे पूछ सकता है कि अट्रैक्टिंग ग्रोइन में जो हमारा स्टिल वाटर पॉकेट है, जो सिल्टिंग होती है वो किस साइड होती है, अपस्ट्रीम की तरफ होती है या डाउनस्ट्रीम की तरफ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिल्टिंग हो रही है वो हमारी डाउनस्ट्रीम की तरफ होती है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की ओर यहाँ जो वाटर फ्लो होता हुआ चला जाएगा, लेकिन इस जोन की अगर बात करें, इस जोन में जो भी वाटर होगा उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी होने की वजह से जो पानी में हमारी सिल्ट है वो सिल्ट हमारे यहाँ पर सेडिमेंट होने लगेगी, और वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, सिल्टिंग कहलाती है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि स्टिल वाटर पॉकेट इस ग्रोइन में, क्या लिखेंगे आप, इस ग्रोइन में कहां बनता है, डाउन स्ट्रीम की ओर बनता है, और यही सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग यहीं पर होती है, सिल्टिंग स्टिल वाटर पॉकेट में होती है, तो ये हमें समझ में आया
कि स्टिल वाटर पॉकेट में हमारी सिल्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी वाटर की, और वेलोसिटी कम होने की वजह से सेडिमेंट होने लगेगी हमारी सिल्ट, और इसके लिए आपको हम क्या कहते हैं, सिल्टिंग के नाम से यहां पर जानते हैं। तो ये हमने यहां पर पूरा देखा, हमने कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, और इसके डायग्राम को हमने देखा कि किस तरीके का डायग्राम हमें दिखाई देता है अट्रैक्टिंग ग्रोइन का। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर रिपलिंग ग्रोइन के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रतिकारी के नाम से जानते हैं। अगर जैसे आप कह सकते हैं कि यह आकर्षित करने वाला है तो प्रतिकर्षित करने वाला होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है कि यह हमारा आकर्षी ग्रोइन है यानी अट्रैक्टिंग है, तो हमारा रिपलिंग है यानी कि वो हमारा क्या करेगा, रिपल कर रहा होगा किसको, वाटर फ्लो को, क्योंकि इसने वाटर फ्लो को बैंक की ओर आकर्षित किया था, अट्रैक्ट किया था, वो रिवर फ्लो को क्या करेगा, बैंक से रिपल करने की कोशिश करेगा यानी कि प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है। तो अब देखते हैं हम इसके बारे में, तो सबसे पहले इसके हम टेंडेंसी पढ़ते हैं कि टेंडेंसी ऑफ रिपलिंग ग्रोइंग, आखिर इसको हम रिपलिंग ग्रोइंग के नाम से क्यों जान रहे हैं। तो देखें जरा, आप इसमें अगर ध्यान देखें, अब जो यहां पर हमने ग्रोइन बनाया था जो रेड कलर का, आप ये जो पूरा देख रहे हैं जो अट्रैक्टिंग ग्रोइन है, और यहां पर हमारा जो रेड कलर का जो यहां मैंने डायग्राम बनाया हुआ है वो हमारा क्या है, रिपलिंग ग्रोइन है। अगर रिपलिंग ग्रोइन की अब यहां पर अगर टेंडेंसी आप देखें तो जो रिवर हमारा ये अपस्ट्रीम साइड है और हमारी डाउनस्ट्रीम साइड है, तो जो वाटर फ्लो है उस वाटर फ्लो की डायरेक्शन को मैंने देखें किस तरीके से बनाया यहां पर, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही वाटर हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा होगा तो यहीं से हमारा वाटर अपना क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इस साइड में पूरा एक अवरोध लगा हुआ है, इस यानी कि हमारा एक ग्रोइन बना हुआ है, एक अवरोध लगे होने के कारण यहां पर पानी जो भी आएगा डायरेक्टली वो यहां पर वेलोसिटी पानी की इतनी कम हो जाएगी, तो पानी यहां पर हमारा शांत कुंड का निर्माण होगा यानी स्टिल वाटर पॉकेट का यहां निर्माण हो जाएगा, और पानी यहीं से हमारा अपना रूट डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देगा, और यहां से टकराते हुए कहां से टकराएगा, रिपलिंग ग्रोइन के हेड से टकराएगा। तो जो हमारा रिपलिंग ग्रोइन का हेड है वो कहां है उसको देखें, रिपलिंग ग्रोइन का जो हमारा क्या है हेड, यहां पर देखें मैंने HEAD लिखा हुआ है, तो रिपलिंग ग्रोइन के हेड से होते हुए पानी हमारा इस तरीके से रूट अपना कन्वर्ट करेगा, यहां से इस तरीके से हमारा पानी यहां पर जाएगा। तो ये कह रहे हैं हम यहां पर कि जो हमारे पार्टिकल्स की शेप अगर आप देखें, यानी कि जो हमारे रिवर फ्लो देखें वो हमारी कुछ इस तरीके से होने लगेगी, यानी ऐसे हमारी होने लगेगी हमारी फ्लो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बैंक हमारा ये बना हुआ है, यहां पर जो हमारा बैंक यहां पर आपको देख रहे थे वही बैंक हमारा यहां पर भी है। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रोइन बैंक से रिवर फ्लो को, रिवर की जो फ्लो है अगर सीधी बहती हुई आती तो हमारी इस तरीके से बहती हुई आती, लेकिन हमने यहां पर ग्रोइन का निर्माण कर दिया तो रिवर फ्लो हमारी अब इस डायरेक्शन में ना जाकर वो सीधे यहां से इससे टकराते हुए वो ऐसे कि ऐसे हमारा इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो ये कहेंगे हम कि इस रिपलिंग ग्रोइन की जो टेंडेंसी है वो बैंक से रिवर फ्लो को दूर हटाने की होती है, तो इसीलिए जो यहां पर रिवर फ्लो बैंक से प्रतिकर्षित हो रहा है यानी रिपल हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रिपलिंग ग्रोइन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अब देखें यहां पर मैं इसको लिखूंगा कि टेंडेंसी ऑफ रिपलिंग ग्रोइन क्या होती है, तो इसी के तर्ज पर हम लिखेंगे कि यह ग्रोइन रिवर फ्लो को, यहां पर हम लिखेंगे सेम इसी तरह से, यह ग्रोइन क्या कर रहा है हमारा रिवर फ्लो को, यह ग्रोइन क्या करेगा रिवर फ्लो को बैंक से यानी कि दूर ले जाने की। यहां पर क्या था, बैंक की ओर आकर्षित कर रहा था, तो बैंक से दूर ले जाने की यानी कि प्रतिकर्षित करना, इसे क्या कहेंगे हम, प्रतिकर्षित, या आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रिपल करना, रिपलिंग हो रहा है यहां पर, ठीक है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे यह ग्रोइन रिवर फ्लो को बैंक से दूर ले जाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी टेंडेंसी रखता है। क्लियर, ये बात हमारे समझ में आ गई होगी, इसलिए इसे रिपलिंग ग्रोइन के नाम से जानते हैं, रिपलिंग ग्रोइन कहते हैं।
ये हमारा हुआ कि इसको हम रिपलिंग ग्रोइन क्यों कह रहे हैं आखिर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की कि रिपलिंग ग्रोइन का जो हमारा झुकाव है वो बैंक से कितना होता है। तो देखें अगर हम बात करें इसके इंक्लिनेशन एंगल की, तो जो हमारा ये इंक्लिनेशन एंगल है, ये जो एंगल हमारा होता है ये 60 to 80 डिग्री आपको देखने को मिलता है। कितना? 60 to 80 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि रिवर के इस पॉइंट से एक मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच दूँ, देखें मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ये खींच दी है, तो इस वर्टिकल लाइन से यानी कि रिवर के परपेंडिकुलर यानी रिवर बैंक के परपेंडिकुलर से ये एंगल हमारा कितना होगा, यहाँ से आपको 10 to 30 डिग्री आपको देखने को मिल सकता है। तो पेपर में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको पूछ सकता है कि बताइए कि जो हमारा रिपलिंग ग्रोइन है वो बैंक से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तब आपका ऑप्शन होगा 60 to 80 आंसर आपका होगा। जब अगर पूछे कि रिवर बैंक के परपेंडिकुलर से इसकी जो एक्सिस है वो हमारे कितने एंगल पर होती है, तो उस केस में आपको 10 to 30 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये आपके दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि ग्रोइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद ग्रोइन कितना था, 60 to 30 डिग्री था। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद बैंक वो हमारा कितना है, 60 to 80 डिग्री यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगर परपेंडिकुलर वाला या होगा तो आप क्या करेंगे उसमें 10 to 30 अपने नोट्स में उसे नोट आप करेंगे। यहाँ पर देखा हमने कि ग्रोइन का झुकाव यहाँ कहाँ था, डाउन स्ट्रीम की तरफ था, जबकि यहाँ पर हमारा जो ग्रोइन है वो किस तरफ झुका हुआ है, अप स्ट्रीम की ओर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्रोइन का झुकाव अप स्ट्रीम की ओर होता है, अप स्ट्रीम की ओर होता है, ठीक है, अप स्ट्रीम की ओर होता है, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जैसे हमने समझा था अटैक ऑफ स्ट्रीम ऑन ग्रोइन, यानी कि जो हमारी स्ट्रीम है जो रिवर का फ्लो है उसका अटैक यहाँ पर हो रहा था अपस्ट्रीम वाली साइड पर, लेकिन यहाँ पर कहाँ होता है, इसके हेड पर होता है। तो यानी रिपलिंग ग्रोइन में जो रिवर स्ट्रीम का अटैक होता है वो कहाँ हमें देखने को मिलता है, रिपलिंग ग्रोइन के हेड पर हमें अटैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अटैक ऑफ स्ट्रीम ऑन ग्रोइन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस ग्रोइन में, यहां पर आप लिखेंगे कि इस ग्रोइन में रिवर स्ट्रीम का अटैक रिपलिंग ग्रोइन के हेड पर, रिपलिंग ग्रोइन के हेड पर, रिपलिंग ग्रोइन के हेड पर हमें हेड पर अटैक होता है, हेड पर अटैक होता है, इसलिए इसके हेड को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो हेड हमारा क्या होना चाहिए, हेड ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, हेड ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्लियर। ये करना लिख दिया मैंने यहाँ पर, चाहिए तुम लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ये मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें जो हमारे रिवर फ्लो है वो डायरेक्ट अटैक करती है इसके हेड पर, और हेड पर अटैक करते हुए आगे ये हमारी जाती है, तो हेड को हमें ज़्यादा मजबूत बनाने की जरूरत होती है रिपलिंग ग्रोइन में। अब जो कि देखिए हम चाहते हैं कि जब भी हम रिवर को ट्रेन करते हैं तो हमारा एक मेन मकसद ये भी होता है कि ग्रोइन हमारे ऐसे कि जो हमारे बैंक जो हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बैंकों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोइन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर तो बैंक ही हमारा प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक हमारा प्रोटेक्ट हो रहा है। और ऐसे ही लगभग हम एक ग्रोइन फिर दूसरा ग्रोइन फिर तीसरा ग्रोइन जब हम सीरीज बना देंगे, तो देखिए सपोज कीजिए एक ग्रोइन मैंने ये बनाया, दूसरा ग्रोइन मैंने ये बनाया, तो यहाँ पर हमारा सिल्टिंग हो रही है, यहाँ पर भी हमें सिल्टिंग देखने को मिलेगी और आगे भी हमें सिल्टिंग देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ सीरीज हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे कुछ दिनों बाद ये जो ग्रोइन हमने बनाया है वो एक टेम्प्ररी स्ट्रक्चर की जगह परमानेंट स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, और यहाँ पर इतनी सिल्टिंग हो जाएगी कि ये पूरे आपस में क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, और हमारा बैंक जो है, अगर उस बैंक को हम बढ़ाना चाह रहे थे, रिवर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे, तो बैंक भी हमारा पूरा कंप्लीट फिल हो जाता है, यानी बैंक की भी चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमने लिखा कि बैंक प्रोटेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे बैंक प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा उपयुक्त है, और इसी का हम ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे
कि यहां पर आप लिखेंगे कि अट्रैक्टिंग ग्रोइन से ज्यादा अच्छा है। यहां पर क्या लिखा हमने कि अट्रैक्टिंग ग्रोइन से ज्यादा अच्छा है कौन सा? रिप्लिन, क्योंकि बैंक प्रोटेक्ट करता है, बैंक को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करें, रिपलिंग ग्रोइन का ही ज्यादा यूज करते हैं। रिपलिंग ग्रोइन जो हमारा है का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आगे आता है स्टिल वाटर पॉकेट, यानी कि जो शांत जल का हमारा स्टिल वाटर पॉकेट बन रहा है वो कहां पर है? देखें जरा, यहां पर ये हमारा स्टिल वाटर पॉकेट है। तो स्टिल वाटर पॉकेट में यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था अट्रैक्टिंग ग्रोइन में हमें यहां पर सिल्टिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? सिल्टिंग हमें देखने को मिलेगी। तो अब सिल्टिंग हमारी कहां पर हो रही है? अपस्ट्रीम की ओर। यहां क्या हो रहा था? डाउनस्ट्रीम की ओर। तो यहां पर लिखेंगे स्टिल वाटर पॉकेट अपस्ट्रीम की ओर बनता है, अपस्ट्रीम की ओर बनता है और सिल्टिंग अपस्ट्रीम में होती है। यानी स्टिल वाटर पॉकेट में हमारे क्या हो जाएगी? सिल्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने यहां पर सीखा। तो अब आप ओवरऑल देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि ग्रोइन क्या है तो आप क्या बताएंगे? यानी अब हमने अट्रैक्टिंग ग्रोइन के बारे में सीखा और हमने रिपलिंग ग्रोइन के बारे में सीखा, तो हमने यहां पर ही जाना कि ग्रोइन क्या होते हैं। कुछ छोटी छोटी लंबाई के ऐसे बांध होते हैं, ध्यान से समझना है हमें कि छोटी छोटी लंबाई के ऐसे बांध होते हैं जो हमें जगह जगह एक सीरीज के फॉर्म में जगह जगह हमें, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये एक ही होगा, ऐसा ये ग्रोइन आगे भी होगा, इस तरीके से लगातार सीरीज हम बनाते हैं। तो यहां पर हम ये ध्यान देंगे कि जो हमारा ग्रोइन होते हैं वो छोटी छोटी लंबाई के ऐसे बांध होते हैं जो हम रिवर में हम बनाते हैं। किस लिए? ताकि बैंक को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और किस लिए बना सकते हैं? बैंक को हम जो यहां पर हमारा कटाव देखने मिल रहा है उसको हम रोक सकें, और दूसरा तटबंधों की रक्षा कर सकें, रिवर को हम ट्रेन कर सकें, उनके अलाइनमेंट को उनके जगह पर रख सकें। तो या ऐसे काम जो हमारे रिवर ट्रेनिंग